नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी अलर्ट में। तो दोस्तों, जैसे कि ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है और लगभग दोस्तों 60% लोगों ने परीक्षा को दे दिया, तो बहुत ही लोग दोस्तों कन्फ्यूजन में है कि मुझे मैंने ग्रुप डी का परीक्षा दे दिया, अब मेरे लिए परीक्षा बहुत मुश्किल था। कुछ लोगों को परीक्षा हालांकि आसान भी लगा, तो मेरा कट ऑफ में आ पाएगा कि नहीं, मैं फिजिकल इफिशेंसी के लिए क्वालिफाइड हो पाऊंगा कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको संपूर्ण डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो पूरा अंत तक देखें। और मैं दोस्तों बता दूं कि इसके लिए फिजिकल इफिशेंसी के लिए दोस्तों 1,30,000 लोगों को ही पास किया जाएगा, और इसका कट ऑफ कम जाएगा कि ज़्यादा जाएगा, क्या मैं कट ऑफ के अंदर आ पाऊंगा। तो दोस्तों, संपूर्ण डिटेल हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे चैनल सरकारी अलर्ट के साथ। एक और बात दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सरकारी अलर्ट को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं दोस्तों ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये है मेरे सामने दोस्तों जो कि ग्रुप डी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया था रेलवे द्वारा। तो आइए हम दोस्तों, आपका आंसर इसी में छिपा हुआ है दोस्तों कि आपका कितना कट ऑफ जाएगा, देख लेते हैं इधर कि कितना कट ऑफ मार्क्स जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों, यहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका दिया हुआ था कि 90 मिनट का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों आपका 400 रहेगा, या दोस्तों इसको 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों, यहाँ अनरिजर्व के लिए दिया हुआ था कि यहाँ 40% मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगा, और यहीं OBC के लिए, SC ST इन सबके लिए 30% रहेगा, और यहाँ दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप के लिए 2% मार्क्स में रिलैक्सेशन, यानी कि दोस्तों इनका मार्क्स 28% रहेगा। तो जनरली दोस्तों होता क्या है कि जो परसेंटाइल होता है, ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि परसेंटाइल हाईएस्ट मार्क्स में से दोस्तों। और दोस्तों यहाँ दिया हुआ था कि आपको फिजिकली इफिशेंसी टेस्ट के लिए यहाँ PET 2 times ऑफ द कम्युनिटी वाई टोटल वैकेंसी पोस्ट नोटिफाई अगेंस्ट RRB। तो यहाँ दोस्तों जैसे कि टोटल आपका 65,000 आपका वैकेंसी था, तो इसके लिए दोस्तों 65,000 वैकेंसीज में यानी कि 2 times, यानी कि दोस्तों 1,30,000 दोस्तों लोगों को फिजिकली इफिशेंसी के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों आप अगर टॉप 1,30,000 में आते हैं तो आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और दोस्तों ये जैसा कि माना जा रहा है कि इस बार का रेलवे का ऑनलाइन एग्जाम बहुत ही हार्ड था, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों कि जैसे कि ALP का कट ऑफ इस बार कम आया, यानी कि परसेंटाइल के रूप में, जैसा कि अनरिजर्व के लिए 40% और या OBC के लिए 30-20 ऐसा दिया हुआ था, उसी तरह दोस्तों इसका भी ग्रुप डी का भी मार्क्स बहुत ही कम आएगा। तो आप दोस्तों, अगर आपका एग्जाम अच्छा गया, अगर आप दोस्तों 50% से ज़्यादा मार्क क्या है, और अगर ओवरऑल दोस्तों अगर 50% से आपका ज़्यादा आ रहा है, तो आप दोस्तों सेफ जोन में है और आप फिजिकली इफिशियंसी के लिए क्वालिफाइड है। तो दोस्तों हमारे चैनल सरकारी अलर्ट को सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो बने रहे हमारे चैनल के साथ।